तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी को सब टीवी पर आने वाले सीरियल ध्रुव तारा की कास्ट के रियल लाइफ लव पार्टनर से मिलवाने वाली हूं, जो कि शायद ही आप सभी जानते होंगे। और जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर फर्स्ट विनित कुमार चौधरी, जो कि सीरियल में सम्राट का किरदार निभा रहे हैं। और इनके लव पार्टनर की बात की जाए तो इनकी पत्नी का नाम अभिलाषा जखर है। नंबर सेकंड कृतिका देसराई, जो कि सीरियल में अंशुया का किरदार निभा रही हैं। और इनके लव पार्टनर की बात की जाए तो ये रियल लाइफ में सिंगल हैं। नंबर थर्ड स्वाति कपूर, जो कि सीरियल में आयशा का किरदार निभा रही हैं। और इनके बॉयफ्रेंड का नाम अनुज सिकरी है। नंबर फोर्थ मिल्की श्रीवास्तव, जो कि सीरियल में मीठी का किरदार निभा रही हैं और ये रियल लाइफ में सिंगल हैं। नंबर फिफ्थ नारायणी शास्त्री, जो कि सीरियल में कनुप्रिया का किरदार निभा रही हैं। और इनके लव पार्टनर की बात की जाए तो इनके पति का नाम स्टीवन ग्रेवर है। नंबर सिक्स यश टॉनक, जो कि सीरियल में उदय भान का किरदार निभा रही हैं। और इनके लव पार्टनर की बात की जाए तो इनकी पत्नी का नाम गौरी टॉनक है। नंबर सेवेंथ ईशान धवन, जो कि सीरियल में ध्रुव का किरदार निभा रही हैं और ये रियल लाइफ में सिंगल हैं। नंबर एट्थ रिया शर्मा, जो कि सीरियल में तारा प्रिया का किरदार निभा रही हैं और इनके बॉयफ्रेंड का नाम अध्ययन सुमन है। नंबर नाइन्थ कृष्णा भारद्वाज, जो कि सीरियल में महावीर का किरदार निभा रही हैं और ये रियल लाइफ में सिंगल हैं। नंबर टेंथ नीलिमा सिंह, जो कि सीरियल में सुशीला का किरदार निभा रही हैं। और इनके लव पार्टनर की बात की जाए तो इनके पति का नाम इंद्रजीत सिंह है। नंबर इलेवेंथ दृश्या कल्याणी, जो कि सीरियल में खट्टी का किरदार निभा रही हैं और ये रियल लाइफ में सिंगल हैं। नंबर ट्वेल्थ गुलफाम खान, जो कि सीरियल में फूलवती का किरदार निभा रही हैं। और इनके लव पार्टनर की बात की जाए तो इनके पति का नाम सज्जाद अली है। नंबर थर्टीन आभा परमार, जो कि सीरियल में माँ का किरदार निभा रही हैं। और इनके लव पार्टनर की बात की जाए तो इनके पति का नाम राकेश परमार है। तो अब आप सभी का क्या कहना है और आपको ये सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।